भारत की एमजे का शिकार बनाएगा। एक और टीम इस मैच से बाहर होती हुई देवियों सज्जनों, पांच टीम 14 प्लेयर टीम सोल जो यहाँ पे सदर एंड को होल्ड कर लिया, बट ऑरेंज जोन के सेंटर पे जाना कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो एक सवाल। जी नहीं, गॉब्लिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले प्लेयर को नॉक देते हुए नजर आएंगे। जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि क्या सेंटर पे जाना ठीक रहेगा, वो अभी तक के लिए मुश्किलात बढ़ता हुआ। दो प्लेयर नॉक हो चुके हैं, चारों तरफ से डैमेज आ रहा है। एक तरफ से जहां पे टीम अभी के प्लेयर देख रहे हैं, दूसरी तरफ से जहां पे टीम सोल उन्हें दिक्कत बढ़ा रही है। और देखते ही देखते अगर आप नजर डाले तो दो प्लेयर गवा चुकी है ऑरेंगुटन, और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो तीन प्लेयर गवा दिए गए। एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स भी जा रहे हैं, और देखिए अब तो लास्ट फाइनल सर्कल है और फाइनल मैच का फाइनल सर्कल ही है हमारे क्वालिफायर्स के, तो यहाँ पे तो ऐसे झटके लगते रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था झटकों के लिए तैयार रहिए, शॉक लगते रहेंगे। यहाँ पे रेक्स बहुत शानदार स्प्रे, अच्छा था लेकिन सामने से भी स्प्रे आया एंड वन गुड स्प्रे नियो द्वारा दोनों प्लेयर को डाउन कर दिया। रेक्स एंड सावेटा दोनों झटका खाते हुए, अक्षत को रिवाइव करना जरूरी है। गॉब्लिन भी अब बढ़ते हुए, लेट्स सी कंफर्मेशन लग तो रहा है आ सकता है यहाँ पे। अभी को भी डाउन करते हुए, थर्ड मैन इज ऑल्सो डाउन। जैक्सन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, लेट्स सी क्या गॉब्लिन यहाँ पे क्लच कर पाएंगे या फिर जैक्सन टीम सोल को पलटवार करेंगे। जैक्सन अकेले बचे हुए, लेकिन इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए प्लेयर्स नियो नजर आ रहे हैं सामने। जैक्सन को स्पॉट कर लिया, लियास भी स्पॉटेड, ही इज गोना बी टेकन डाउन। सीम्स लाइक कोशिश अच्छी है जैक्सन की, लेकिन हेक्टर ने कंफर्म कर दिया है। और इसी के साथ टीम तमिलास के ऊपर भी अटैक करते हुए, टीम सोल थोड़ी देर पहले दो फ्रैक्स पे थी और अब काफी सारे फ्रैक्स पे आ चुकी है। या बिल्कुल, टीम सोल एक अच्छे गेम प्ले के साथ विस्गॉड का अंत होता हुआ। और देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम बात करें तो टीम सोल दे